नमस्कार, मैं जितेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूँ आपका पब्लिक व्यूज इंडिया में। इस समय हमारे साथ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी जुड़ चुके हैं। इनसे जानेंगे दिल्ली की और वाराणसी की राजनीति के बारे में, ये क्या सोचते हैं। सर, अभी आप दिल्ली से आ रहे हैं, सर कितनी सीटें आ रही? बीजेपी 300 के ऊपर जा रही है दिल्ली से। सर, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से दावे करे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो कह रही है कि भाजपा कहीं लड़ाई में है नहीं, हमारी जो लड़ाई है वो कांग्रेस से है, इस पर आप क्या सोच रहे हैं? सर, दिल्ली में तो 7 की 7 सीटें बीजेपी को चली गई हैं, बस खाली 23 तारीख को उनकी घोषणा होनी बाकी है। अच्छा, आप काशी में आए हुए हैं सर, काशी में आपको क्या फ़र्क दिखता है? अभी कहा गया प्रियंका गांधी के सुनामी रोड पर उतरी थी सर, कहा गया जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की सुनामी आई हुई है जो मोदी की लहर को बहा ले जाएगी। आप भी महसूस करते हैं सर ऐसा कुछ? देखिए, अब कम से कम 23 के पहले तो इन लोगों को जी लेने दो हैं, थोड़ी खुशियों के घूंट पी लेने दो, 23 तारीख तक तो जी लेने दो, क्योंकि 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा इस देश में वो इन लोगों की क्या स्थिति होगी वो 23 को ही पता चलेगा। इनका पता नहीं सुनामी है या बॉन्डर है या क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन समस्या तो ये है कि ये लोग मोदी जी से क्या तुलना करेंगे। इन लोगों के रोड से 100 से ज़्यादा 4 गुना तो हमारे रोड से हमें भीड़ होती है। सर, तुलना की बात आपने करी, प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसी समय राहुल गांधी जी भी कुछ उसी स्टाइल में उसी तरीके से वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये कॉपी करने की शुरुआत हो रही है क्या राजनीति में? अब देखिए, ये तो कॉपी ही करेंगे ना। इन लोगों के जो सलाहकार हैं ये सब लोग, इनके पास लूटने के अलावे भ्रष्टाचार करने के अलावे कोई आइडिया ही नहीं है, और वो सब पुराना हो चुका है। अभी भी सोचिए, इस चुनाव में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है? नहीं है। इस चुनाव में महंगाई मुद्दा है? नहीं है। तो बताइए, जिस 5 साल के बाद भी पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार वापस प्रचंड बहुमत से आ रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, आतंकवाद मुद्दा है, राष्ट्रवाद मुद्दा है, लोगों की गरीबी मुद्दा है, और पहली बार गरीबों को खुशियां मिली है, जनता चुनाव लड़ रही है। आप कह रहे हैं कुछ मुद्दा नहीं है इस समय, जो विपक्ष के पास मुद्दा विहीन हो चुकी है विपक्ष, मगर उन्होंने एक नारा दिया है लोकतंत्र बचाओ, मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ये इस नारे से आगे बढ़ते हैं, मगर सर हमें ये समझ नहीं आता, जनता को समझ नहीं आता, वो लोग तब कहाँ होते जब बंगाल में हिंसा होती है, लोगों को मारा जाता है, हर चुनावी जब चुनाव होता है हर चरण के चुनाव में बंगाल में हिंसा हुई, वहाँ किसी को लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं नज़र में आता सर? प्रियंका वडेरा जी का यूपी में रोड शो हुआ, कहीं आपको दिक्कत पता चली? कोई रोक टोक हुई? उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन है, फिर अचानक अभी शाह जी के सभा में क्यों परेशानी आ गई? इसलिए आ गई कि पूरा पश्चिम बंगाल बीजेपी के साथ चल पड़ा है, 42 सीट है, 42 में 35 सीटें बीजेपी के पास जाने को तैयार है, जा रही हैं। तो वैसे में तो देखो, ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं। बहन जी ने भी सपोर्ट किया उनको, राहुल गांधी ने भी सपोर्ट किया, अखिलेश यादव ने भी सपोर्ट किया, करने दो। हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि देश आंखें खोलकर देखता रहे। अच्छा सर, ये किस हद तक सही है? एक प्रधानमंत्री को एक देश, एक राज्य के चीफ मिनिस्टर ये कह देते हैं कि उन्हें चाटा मार देना चाहिए, ये किस हद तक, ये ऐसी बयानबाजी राजनीति में इसका अधिकार है ऐसा बोलना चाहिए? जिस तरीके की बात, जिसके अंतर मन में गुंडा राज हो, जिसके अंतर मन में चाटा ही मारना हो, तो उसको कितना दिन छुपाएंगे? वो कहते ना, वो एक बार सियार जंगल का राजा बन गया था, तो 4 बार वो सियार लोग बोले हुआ हुआ हुआ, तो भी हुआ हुआ कर दिया। तो एक्चुअली जो ये लोग ममता बनर्जी जी का और चाहे और लोगों का जो स्वरूप है ना, वो वापस आके निकल गया है कि बेसिकली दे आर गुंडाज।
अच्छा आपसे एक चीज़ समझना चाहेंगे सर, आप दिल्ली से आ रहे हैं, अभी दिल्ली में एक घटना हुई है ध्रुव त्यागी का, आपने सुना होगा जो घटना हुई है। एक घटना आनंदपुरत में भी घटती है, कहा एक लड़की की जो हत्या हुई थी उसमें 35 चाकू की बात करी गई थी। वहाँ सारे राजनीतिक दल जुट जाते हैं, सब जुट जाते हैं, सब बुद्धिजीवी आ जाते हैं, मगर एक घटना होती है ध्रुव त्यागी के साथ, उसके नाम में सरनेम में त्यागी आता है, ठीक है। क्या इस वजह से कोई राजनीतिक दल उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया तक वहाँ तक नहीं जाता, क्यों सर? एक सरनेम की वजह से, क्या वो ब्राह्मण है इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है? अगर इसी जगह कोई मुस्लिम या दलित होता तो क्या होता सर? देखिए, यही तो इसी राक्षसी प्रवृत्ति को हमें समाप्त करना है। मानव की बात करो, अपराधी कोई है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, जो पीड़ित है उसके पास कोई भी हो, आप जाइए उसके साथ खड़े होइए। और ऐसी घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं इसकी बात करते हैं, इसलिए मैंने NRC की बात की है कि हमारे दिल्ली में जल्दी NRC लागू हो। जो हमारे भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, बौद्ध हैं, वो लोग जिन जो देश के हैं वो इस देश के संसाधनों का उपयोग करें, जो इलीगल घुसपैठिए हैं उनको तुरंत NRC लगा करके भगाया जाए। सर, अखलाक वाला मामला जब होता है तो कुछ बुद्धिजीवी ग्रुप आ जाते हैं, अवार्ड वापसी वाले गैंग आ जाती है, ये सब जुट जाते हैं, उस समय होता है लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र को हम बचाने निकले हैं। मगर एक हत्या जब दिल्ली में होती है सर, वहाँ लोकतंत्र क्यों नहीं खतरे में आता? क्यों एक सरनेम की वजह से होता है क्या ये सब चीज़ें? क्या अब जातीय समीकरण की वजह से देखा जाएगा क्या कि इस जाति का जब मारा जाएगा तो हम सपोर्ट करेंगे और इस जाति का जब मारा जाएगा तो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस जाति का वोट बैंक कम है, वोट कम आता है, क्या इस तरीके से अब देखी जाएगी क्या राजनीति? नहीं, मैं आपकी भावना का आदर करता हूँ। BJP चाहती है कि इस तरह का कोई भेदभाव न हो, जहाँ भी जो पीड़ित है उसके साथ खड़े होइए, और जो भी अपराधी है चाहे वो कोई भी हो उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। केजरीवाल जी अपने आप को लोकतंत्र सेवर बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम लोकतंत्र को हम बचाने निकले हैं सर, मगर वहाँ आप क्यों नहीं दिखते? वहाँ आपकी पार्टी का कोई मेंबर नहीं दिखता, वहाँ आप लोकतंत्र क्यों नहीं बचाने जाते सर? क्योंकि आपका एक वोट बैंक नाराज़ हो रहा है उससे। अरविंद केजरीवाल को इसके किए की सजा दिल्ली खूब अच्छे से दे रही है। 23 तारीख को भी देखिएगा, वो थर्ड पोजीशन पे जाएंगे और 2020 फरवरी में समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। ए बाबू चल।